Hi everyone, welcome back to my channel. So as promised, I am back with my Lajpat Nagar vlog part 2. So let's go. So this has to be my favorite shop in Lajpat Nagar. ये shop मैंने भी खुद अभी ही इस बार discover करी है. यहाँ पे ना सारा चिकन का कलेक्शन होता है, मतलब जैसे चिकन की कुर्ती या फिर ये चिकन प्लाजोज, ये सब मिलता है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एंड डिफरेंट पैटर्न्स में भी कुर्तीज़ अवेलेबल है. जैसे ये ग्रीन, ग्रे, पिंक, ब्लू, ब्लैक, ये तो सिर्फ डिस्प्ले में है पर इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स हैं. यहाँ पर ना ये चिकन की कुर्तों की दो शॉप्स एक साथ हैं पर आई वेंट टू दिस वन जिसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से दे दूँगी. तो मुझे ये वाली कुर्ती का पैटर्न एंड स्टाइल पसंद आया तो फिर भैया ने मुझे सारे कलर ऑप्शंस दिखाए, जैसे कि मैंने भी पहले वाइट देखा, फिर मैंने लैवेंडर देखा एंड ऐसे ही मैंने और भी 5-6 कलर्स और देखे जो भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो आप कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा था. फाइनली आई मेड अ टफ डिसीजन सिलेक्टिंग वन कुर्ती. एंड पता है यहाँ का एक प्लस पॉइंट भी क्या है कि जैसे आपको कोई कुर्ती पसंद आ गई है एंड वो आपके साइज़ की नहीं है तो यहाँ पे एक टेलर होता है इसी शॉप में, इन्हीं का टेलर होता है, तो वो आपके साइज़ का इसको फिट करके भी दे देगा विद इन 10-15 मिनट्स. द नेक्स्ट स्टॉल वॉज फॉर बॉयज़ एंड यहाँ पे लड़कों की राउंड नेक टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, ये सब मिल रही थी. तो जो राउंड नेक टी शर्ट थी ना उसके इतने सारे कलर अवेलेबल थे कि तो मैं देख देख के ही थक गई एंड वो भी सिर्फ थे फॉर ₹200 ईच प्लस विद दिस मटीरियल, इट वॉज क्वाइट अमेजिंग. तो इस टी शर्ट स्टॉल के ऑपोजिट ही थी ये दुपट्टाज की स्टॉल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी पर जो थी वो भी बहुत अच्छी थी. तो नेक्स्ट आई हेडेड टुवर्ड्स दिस स्टॉल. यहाँ पे ना ऐसे लॉन्ग लूज टी शर्ट ड्रेसेस थी जिसको आप एज अ नाइट वेयर यूज़ कर सकते हो एंड दिस वॉज फॉर जस्ट ₹200. इसमें भी इतने सारे पैटर्न्स, कलर्स, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल थी. तो नेक्स्ट आई वेंट टू दिस शॉप. यहाँ से मुझे अपनी मम्मी के लिए ऐसे लॉन्ग लूज गाउन लेने थे फॉर नाइट वेयर. तो इस शॉप पे इतने सारे नाइट गाउन्स थे, मतलब बहुत सारे कलर्स में थे, प्रिंट्स में थे, पैटर्न्स में थे, कॉटन में थे और नायलॉन में थे, सिल्क में थे. काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी एंड सबकी प्राइस वेरिएशन अलग अलग थी, जो स्टार्ट होती थी जैसे फ्रॉम 150 एंड होती थी टिल 700-800. यहाँ पर यू विल नॉट ओनली गेट दीज लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस पर आपको ऐसे फुल सेट भी मिलेंगे विद पजामाज एंड निकर्स विद लूज टी शर्ट्स. नाउ इफ यू आर अ फैन ऑफ जुतीज लाइक मी तो ये पार्ट जो होगा वो वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इतनी प्यारी प्यारी इतनी सुंदर जूतियाँ दिखाने वाली हूँ दैट यू आर गोना लव इट. जस्ट लुक एट दिस येलो जूती दैट आई एम ट्राइंग, मतलब ये इतनी प्रिटी, इतनी सुंदर, प्लस ये बहुत कंफर्टेबल भी थी एंड जो इसका कलर वाइब्रेंस है वो मेरा बहुत ही फेवरेट था. तो ये थी फॉर अराउंड 550-600 रुपीज़ आफ्टर बार्गेन.
तो यहाँ सिर्फ जूतीज़ ही नहीं, आपको बहुत सारी कोलापुरीज या बिल्कुल कैजुअल जूतीज़ जो आप डेली वेयर में भी पहन सकते हो वो भी दिखेंगी। बट अब ये जो मैं आपको अंदर वाला सेक्शन दिखा रही हूँ शॉप का, ये थी थोड़ी एक्सपेंसिव जूतीज़ पहली वाली से, एंड प्लस ये थोड़ी पार्टी वेयर भी थी। जो ये वाली जूतीज़ थी ये थी फॉर रुपीज़ 1000 ईच, एंड ये जूट के बेस पे थी ये वाली जूतियाँ। ओके सो नाउ आई लव दिस पिंक जूती टू विद ऑल द मिरर वर्क, ये भी बहुत ही प्रिटी थी। दिस वॉज फॉर ₹1000। नाउ देर वॉज अ लिटिल सेक्शन फॉर बॉयज़ टू। यूजली ना मैं बॉयज़ का सेक्शन एक्सप्लोर करना भूल ही जाती हूँ, मतलब मैं अपने सेक्शन में इतना खो जाती हूँ कि मैं बॉयज़ के लिए ऐसा देखना भूल जाती हूँ। बट इस बार ना मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। तो यहाँ पर तो थी एकदम काउंटलेस जूतियाँ सारे ही कलर्स में, चाहे वो पेस्टल हो, डार्क कलर्स हो, लाइट कलर्स हो, सभी कलर में जूतियाँ अवेलेबल थी। और सारी ही इतनी सुंदर थी ना, मतलब डिसाइड करना इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं कौन सी लूँ, सभी मुझे बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो अगेन आई सॉ दिस बेबी पिंक जूती, एंड ये भी इतनी प्यारी थी यार, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सी लूँ। तो लीविंग माई कन्फ्यूजन असाइड, मैं गई दूसरी शॉप में। इस शॉप में थी बहुत सारे ईयरिंग्स, बैंगल्स, मतलब ऐसे पूरी ही एक्सटेंडेड शॉप थी। इस शॉप में सारा यही सामान था, प्लस यहाँ पे था चूड़ा फॉर ऑल द ब्राइड्स एंड प्रिटी नेकलेस सेट्स। तो उसी शॉप में ये थी हेयर एक्सेसरीज भी अवेलेबल थी, क्लिप्स, रबर बैंड्स, क्लचर्स, प्लस दोज नेल पेंट्स, नेल पेंट रिमूवर्स, ये सब भी अवेलेबल था। जब मैं शॉप से निकल रही थी तो मैंने देखा एक 100 रुपीज का सेल स्टैंड, इसमें बहुत ही अच्छे नेक पीसेस थे। तो नेक्स्ट मैं गई दुपट्टा स्पेशल शॉप पे, मतलब इस शॉप पे ना सारे दुपट्टे ही थे, दुपट्टे की इतनी वैरायटी थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आपको बिल्कुल बेसिक दुपट्टा चाहिए वो भी था, एंड अगर आपको बहुत हैवी दुपट्टा चाहिए तो वो भी अवेलेबल था। तो जो भी मैं ये मल्टी कलर दुपट्टा देख रही हूँ ना, दीज वर फॉर ₹250, एंड जो हैवी दुपट्टे होते हैं वो होते हैं बिटवीन 600 to 1500 rupees, और जो बिल्कुल बेसिक होते हैं दैट इज़ फॉर 150, मतलब जो बिल्कुल प्लेन होते हैं सिंगल कलर में दैट इज़ फॉर 150 to 200 rupees। इस शॉप पे ना आपको अपनी हर कुर्ती के लिए दुपट्टा मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई कलर नहीं था जिस कलर का दुपट्टा इस शॉप पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ दुपट्टा फॉर योर कुर्ती, दिस इज़ द राइट शॉप फॉर यू। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू बैग्स शॉप। लाजपत नगर में भी ना काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है बैग्स की। जैसे मैं इस शॉप में गई तो मुझे बहुत ही अच्छे स्लिंग बैग्स, बड़े वाले बैग्स, बैकपैक्स, ये सब दिखे। सबकी प्राइस वेरिएशंस अलग अलग थी, जैसे ये बड़े बैग्स हैं तो ये थे बिटवीन 1000 to 1500, और ये जो छोटे स्लिंग बैग्स थे इसका मुझे भैया ने प्राइस कोट किया था 600। Out of all of these, I loved this bag. This was for 600 rupees. ये इसका size भी बिल्कुल perfect था, मतलब spacious भी था and बहुत बड़ा सा भी नहीं था। It was good for a sling bag.
यहाँ पे आपको दिखेंगे ऐसे मनी पर्सेस या कॉइन पर्सेस, जैसे जिसमें आप सिर्फ कॉइन्स या मनी रख सकते हो। तो चलते ही चलते मैंने एक और शॉप भी देखी, तो ये थी ऐसे होम डेकोरेशन के लिए, जैसे वॉल हैंगिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी वैरायटी एंड काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा था। सो नाउ दिस शॉप वॉज फॉर ऑल द कुशंस, बेड कवर्स, पिलो कवर्स या बूस्टर कवर्स, ये सब यहाँ पे मिल रहे थे। तो इसमें भी बहुत अलग अलग कलर्स, पैटर्न्स एंड वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। जैसे अगर आपको बिल्कुल बेसिक चाहिए तो बेसिक भी था, थोड़ा दिवाली के लिए थोड़ा यू नो ऐसे ग्लिटर वाला चाहिए तो वो सब भी अवेलेबल था। लाजपत नगर की ना एक खास बात ये है कि यहाँ पे ना आपको बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल मिलता है, जिससे आप अपनी ड्रेस ऐसे फ्रॉम स्क्रैच स्टिच करवा सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे ना डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है मटेरियल की, बट यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है क्योंकि मैंने काफ़ी बार इस शॉप से परचेज़ किया है। तो इफ़ यू वॉन्ट कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ ऐसे मटेरियल की, तो कॉमेंट बिलो, देन श्योरली आई विल मेक वन। ना ये शॉप के बाहर जैसे थोड़ा बहुत मटेरियल पड़ा रहता है तो ये थोड़ा बहुत डिस्प्ले के लिए होता है, पर अंदर यू विल सी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी लो रेंज एंड बहुत ही हाई रेंज तक भी जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड ये जो सारे वाइट वाले मटेरियल है ना, ये सारे डाइबल होते हैं, मतलब आप इसको किसी भी कलर में डाई करा सकते हो। और इसमें भी पता है बहुत ही अच्छे प्रिंट्स एंड डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। इन सब की प्राइस रेंज शुरू हो जाती है लाइक फ्रॉम 200 रुपीज़ मीटर एंड इट गोज टिल 1600 रुपीज़ मीटर और इवन मोर। तो उस कपड़े की शॉप के साथ ही ये दुपट्टा की शॉप भी थी। इनके पास भी ना दुपट्टे की बहुत बहुत अच्छी वैरायटी होती है, जैसे ये बांधनी दुपट्टा है एंड अलग अलग वैरायटी, ये हैवी दुपट्टा जिसमें सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है। तो ऐसे बहुत दुपट्टे हैं जो आपको इस शॉप पे मिल सकते हैं एट अ वेरी नाइस प्राइस। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।